हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला के ननखड़ी खंड में कुदरत ने ओलावृष्टि के रूप में कहर बरपाया है। इससे ननखड़ी खंड की 7 पंचायतों में करोड़ों रुपए का नुकसान आंका गया है। लोगों का कहना है कि 100 साल में पहली बार ऐसी भयंकर ओलावृष्टि देखने को मिली है। इससे किसानों की साल भर की कमाई 15 मिनट में तबाह हो गई। ओले इतने पड़े और तेजी से पड़े कि सेब तो झड़ गए, साथ में बीमे भी टूट गए हैं और पेड़ों के छिलके भी उतर गए हैं। यहाँ तक कि लोगों की छतें, पानी की टंकियां, प्लास्टिक की कुर्सियां आदियों में भी छेद पड़ गया है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि अब उन्हें साल भर का गुजारा करना मुश्किल है। उनका जीवन बागवानी पर आश्रित था, ऐसे में उनके केसीसी लोन माफ किए जाएं, 4 माह का राशन व पौधों की दवाइयां मुफ्त दी जाएं। ओलावृष्टि से शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तहत ननखड़ी तहसील की ननखड़ी, बगलती, अड्डू, गाहन, खुन्नी, पनोली, जाहू व खंडहन पंचायतों में भारी ओलावृष्टि हुई है। इस ओलावृष्टि से सेब, चेरी, खुमानी, पलम, आड़ू, नाशपाती व सब्जियां सब खत्म हो गया है। वैसे भी इस बार बागवान कोरोना महामारी की मार से हताश थे, क्योंकि ना तो समय पर बागों में काम हो पाया है, ना मजदूर मिल पाए हैं और ना ही समय पर दवाइयां मिली हैं। अब ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर सारा पानी फेर दिया है। खंडन पंचायत के प्रधान ने बताया कि ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है वे अपने जीवन में 66 वर्षों में उन्हें पहली बार देखने को मिला है। इसमें अखरोट के दाने के बराबर ओले गिरे। ये सेब, खुमानी, बादाम, नाशपाती व सब्जियों को भारी क्षति हुई है। सरकार यहाँ के लोगों की मदद करे, क्योंकि जो नुकसान हुआ है वो 5 साल में भी भरपाई करना उसकी संभव नहीं है। ये ओलावृष्टि के रूप में जो प्राकृतिक आपदा ननखड़ी पंचायत की, ननखड़ी क्षेत्र के लगभग 9 पंचायतों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे फ्रूट, पत्ते, बीमे, टहनियाँ सभी आप देख रहे हैं जमीन पर आ गई। ये नुकसान सिर्फ इस साल का ही नहीं, कई वर्षों तक का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि नुकसान दिख रहा है, इस देख सकते हैं किस तरह नुकसान का जायजा लिया जाए और यहाँ के किसानों और बागवानों को सरकार उचित मुआवजा दे और जो भी इंतजाम हो सके जिन लोगों की चेरी की फसल बच। मैं ग्राम पंचायत खरान का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पे कल करीब 3:30-4 बजे के करीब ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण हमारा फ्रूट जैसे चेरी, सेब, सब्जियाँ और कोई भी फ्रूट जो कि सारा तहस नहस हो गया है, और इसके कारण हमारे को काफ़ी नुकसान की झेलना पड़ रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार इसको हमारा कोई मुआवजा प्रदान करे, जिसके आपके सामने सेब, चेरी, खुरमानी, पलम सब कुछ भी हमारे पास जो बागवानी फसल होती है इस वक्त हमारे पास रोटी, जिसके पर हमारी आशा थी वो सारी आशा अस्त व्यस्त हो गई है। हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे लिए कुछ सुविधा प्रदान करे। धन्यवाद। है हाँ जी, खुरान से हाँ 28 नंबर पंचायत का हूँ और मेरे को ये पेड़ का मदद दीजिए, बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास हैंडीकैप का कोई भी सहारा नहीं है। मैं हूँ हैंडीकैप, मेरे से कोई भी कमाई नहीं होती सर। मैं हूँ एक गरीब व्यक्ति, IIDP से संबंध रखता हूँ। ग्राम पंचायत खड़ांग, ये जो ओला वृष्टि से क्षति हुई है इस ग्राम पंचायत में, ये हमने अपने 66 साल की उम्र में कभी भी नहीं देखा। ये हालत हो गया कि ये यहाँ जो ओला हुआ है ये तकरीबन अखरोट से भी बड़े साइज का ओला गिरा है और कम से कम 4 इंच की सतह जम गई। यहाँ के सारे सेब के बीचे, बीमे, टाणे सब तोड़ फोड़ के रख दिए। अब हम तो 5 साल तक इससे उभर नहीं पाएंगे। यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ ये यहाँ की जो जनता है वो निर्भर करती थी नकदी फसलों पर, बाकी यहाँ कुछ नहीं होता है। यहाँ सिर्फ फसलें क्या होती है, मटर है लोगों का, सब्जी है, सेब है, आड़ू है, बादाम है, सब कुछ नष्ट हो चुका है।
इस वजह से यहाँ की क्षति को कम से कम किसान 5 साल तक इस भरपाई को नहीं कर पाएगा। सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार यहाँ के किसानों को केसीसी के तहत जो लोगों ने लोनिंग कर रखी है उसको थोड़ा सा लोगों को राहत दे, उसमें बीमा योजना की राशि जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाए ताकि लोग जो यहाँ की जनता है थोड़ा अपना रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर कर सके। धन्यवाद। पंचायत की 7 पंचायतों में जो पिछले कल ओलावृष्टि हुई इससे जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। इससे सेब और चरी ही नहीं, हमारी जो चादर है छत की, कुर्सियां या कोई और आइटम है, सनटेक्स, वो भी सारे खत्म हो गए। बुरी तरह से ये ओला आया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो खास करके केसीसी है, क्योंकि हम इसको भुगतान नहीं कर सकते, इस वक्त हमारी हालत बड़ी नाजुक है, इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि इसको माफ़ किया जाए, और अगर नहीं हो सके किस कारण तो 2-3 साल में लगभग इंटरेस्ट के लिए भी न पूछा जाए, कुछ ऐसा प्रावधान सरकार करे, क्योंकि लोगों की दयनीय हालत है। इस वक्त जो ये है ये बहुत बुरी तरह से कैर टूटा है। तो मैं सरकार से